और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एपीएमसी चुनाव में प्रत्याशी कृति राणा को मर्चेंट चैंबर्स का मिला समर्थन, बहुमत से जीत का दावा 29 को चुनाव। एपीएमसी चुनाव में नारियल चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरे मसाला मार्केट के प्रत्याशी कृति राणा ने खुला दावा किया कि जीतने के बाद वे बाजार और व्यापारियों के हित में हर लड़ाई लड़ेंगे। व्यापारियों से मिल रहे भारी समर्थन पर विश्वास जताते हुए कृति राणा ने भरोसा दिलाया कि जीतने के बाद वे व्यापारियों पर लादे गए टैक्स और पेनाल्टी से निजात दिलाएंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए न्याय मांगेंगे। हमारे पास जो मुद्दे है वो व्यापार के विकास के हैं, एपीएमसी की जो अड़चने हैं, एफएसआई की अड़चन में रेगुलर जो करना है बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सफलता मिली, हमें कोर्ट के द्वारा स्टे मिला हुआ है, उस स्टे के जरिए सारे गाले को राहत मिली है और उसमें कोई दुमत नहीं है कि हमारे पास बहुत ढेर सारे 1985 से 85 से लेकर आज दिन तक सारे पुरावे हैं। गवर्नमेंट से हमें मंजूर कराना है और क्या है, मंजूरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि हमारी मार्केट 91 में आई है, 94 में महानगर पालिका आई, तो इस प्रकार वो मुद्दा वो है। हमारे गाले जो है उस गाले की एफएसआई की सीसी मिल चुकी थी, आगे की ओसी बाकी है, जो भी है कोर्ट के जरिए स्टे है उसमें भी हम सफलता हासिल करेंगे। और हमारी जगह है, हमारी जगह हमारे परिवार की है और हमें ही मिलेगी, उसमें कोई दुमत नहीं है। दूसरा 154 कोटी वो भी भरने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल बोझा लगेगा नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र फी लगती है, सरकार की ये नीतियाँ समझ में नहीं आ रही है कि सहकार खाता और कोऑपरेटिव का खाता एक ही होने के, मार्केटिंग का खाता एक ही होने की तहत 25,000-30,000 रुपया ट्रांसफ़र भी होनी ब्याज भी है, मगर यहाँ पर 5 लाख और उसके ऊपर लिया जाता है, बिल्कुल उसको जम कर कम कराएंगे, वो उसमें भी दुमत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हाइजेनिक मार्केट, हाइजेनिक इंटरनेशनल मार्केट, ये सारे बहुत मुद्दे हैं जिस पर इस मार्केट का इंटरनेशनल भविष्य बना हुआ है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना हुआ है। बता दें कि एपीएमसी की माथाड़ी संघ समेत 5 मंडियों में 29 फरवरी को चुनाव होने हैं। दर्जनों प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन व्यापारी मसाला मार्केट के प्रत्याशी कीर्ति राणा के समर्थन में एक साफ खड़े दिख रहे हैं। नवी मुंबई मर्चेंट चैंबर्स के व्यापारी खुले तौर पर कीर्ति राणा के पुराने कार्यों की तारीफ करते हुए खुद उनके प्रचार में जुट गए हैं। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, हमें सब यही सोच है किसे वोट करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें कीर्ति भाई को अपना बहुमूल्य वोट देके जिताना चाहिए, तो इसका रीज़न है। एडिशनल शॉप गोडाउन से हम जुड़े हुए हैं, उनमें प्रॉपर्टी टैक्स कम करवाया, अच्छा उससे ज़्यादा एपीएमसी से 8 करोड़ रुपया आपने वापस दिलवाया, जो व्यापारी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जहाँ कीर्ति भाई रहते हैं उनका मार्गदर्शन में हमें बहुत फ़ायदा हुआ, व्यापारी भी आगे जाएगा और आगे वाली पीढ़ी जो है वो भी नई दिशाएं दिखाएंगे कीर्ति भाई, और व्यापार आगे बढ़ेगा, ऐसे हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य वोट कीर्ति भाई को दे के उन्हें सफल बनाए। बहुमूल्य से अपना कीर्ति भाई राणा को बहुमूल्य से जिताना है, वोट से जिताना है। हमारे मैं इमली का व्यापारी हूँ और इमली में उन्होंने काफ़ी मेहनत करके 5% GST था वो 0% करवाया है, तो हम उनको जिताने में हमारा पूरा सहकार है कि आप पूरा सहकार दो कि उनको बहुमतों से जिताया जाए। नई मुंबई मर्चेंट चैम्बर्स हमारा मातृ संस्था है, दोनों संस्था के चेयरमैन साहब श्री कीर्ति भाई राणा, उनकी पवित्र सेवा में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से एडिशनल या FSI कोई भी केस रहेगा वो आराम से सॉल्व हो रहा है, आगे भी सॉल्व होएगा। आपको मैं वादा करता हूँ कि कीर्ति भाई राणा जैसे कैंडिडेट आपको कहाँ नहीं मिलेंगे, और दूसरा आपको पूरा प्रचंड बहुमत से कीर्ति भाई राणा को विजय बनाने का है और अपनी संस्था को आगे लेके जाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।